दोस्तों महाराष्ट्र हो पंजाब हो या फिर गुजरात हो इन सभी जगहों पर कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस वजह से यहाँ की सरकार जो है अधिकांश क्षेत्रों में लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं बात करें यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया है जो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या ऐलान किया है और होली के बाद क्या बड़ा फैसला हो सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ

मंत्री का बड़ा बयान आया है जिसमें लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी गई है यहां तक कि ये भी बताया गया है कि होली में बड़ा फैसला लिया जा सकता है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको सही जानकारी मिल जाए आपको बता दें देश के कुछ राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है इसे देखते हुए राज्य अपने-अपने हिसाब से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं कई राज्यों ने कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों से अपने यहां आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है इस बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भी राज्य में लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है आपको बता दें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी और फोकस और टारगेट टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि यूपी में अभी भी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बारे में विचार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि होली में बाहर से आने वालों के लिए टेस्टिंग की जाएगी इसके साथ आपको बता दें बुधवार यानी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोरोना को लेकर बैठक होने वाली है जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं होली के मद्देनजर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर यात्रियों की रैंडम वक्त प्रारंभिक जांच होगी इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि यूपी में अभी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है अगर आने वाले समय में संख्या बढ़ती है तो इस पर विचार किया जाएगा आप बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के चौबीस हजार चार सौ बानबे नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल संक्रमण के मामले जो है वो एक करोड़ चौदह लाख हो गए हैं इस दौरान इकतीस लोगों की मौत हुई है अब तक 1, 8, 8, 8, लोगों कोरोना की वजह से जान जा चुकी है और वहीं बीते चौबीस घंटे में देश में बीस हजार एक सौ इक्यानबे मरीज ठीक भी हुए हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बता दिया गया कि यूपी में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार विचार कर सकती है अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो अन्य राज्यों की तरह ही यूपी में भी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लग सकता है इस वजह से आप लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचना है मास्क अभी भी लगाना है कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इस वजह से हमें दूरी भी बरतनी होगी और मास्क भी लगाना होगा फिलहाल के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे